अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों, आइए सबक नंबर 5 दो मुतगैरी खत्ती मसावते इसका हम अगला हिस्सा इस वीडियो में हल करते हैं। हम लोग पढ़े हैं हमजात मसावतों पर इबारती मिसालें। हमजात मसावतों का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से मिसालें हल करते हैं, इसके लिए हम मशके सेट 5.2 देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 दिया गया है आपके पास कि एक पर्स में कुछ 5 रुपये के और कुछ 10 रुपये के नोट हैं। नोटों की कुल कीमत 350 रुपये है। 5 रुपये के नोटों की तादाद 10 रुपये के नोट की तादाद के दुगुना से 10 कम है, तो आपको यहाँ पर 5 रुपये और 10 रुपये के नोट कितने हैं इसको मालूम करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप दिए गए सवाल को गौर से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस इबारती सवाल से हमजात मसावतें तैयार करेंगे। इसके लिए हम हल किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम फर्ज करते हैं। देखिए, हमको मालूम करना है 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों की तादाद। तो हम फर्ज करते हैं कि 5 रुपये के नोट है तादाद में x और 10 रुपये के नोट है हमारे पास y। अब हम दी गई शर्त के ऊपर गौर करते हैं। पहली शर्त क्या दी गई है हमारे पास कि नोटों की कुल कीमत 350 रुपये है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x। 5 रुपयों की नोट x है तो उसकी मालियत हो जाएगी 5x। इसी तरीके से 10 रुपये के नोटों की मालियत हो जाएगी 10y। तो यहाँ पर पहली मसावत तैयार होगी 5x जमा 10y बराबर 350। ये हमारे पास पहली मसावत आ गई। अब देखिए दूसरी शर्त क्या दी गई हमारे पास। दूसरी शर्त दी गई है 5 रुपयों के नोटों की तादाद 10 रुपये के नोटों की तादाद के दुगुना से 10 कम है ना। यानी हम 5 रुपये के नोट बराबर एक्स को बराबर करेंगे 10 रुपये के नोटों की तादाद का दुगुना, यानी कि 2y, और इससे 10 कम है, यानी हम यहाँ पे 10 की तफरीक करेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 2y - 10। तो इस तरीके से हमारे पास दर्ज झील मसावतें तैयार हो जाएंगी। पहली मसावत आई 5x जमा 10y बराबर 350, और दूसरी मसावत आई है हमारे पास x बराबर 2y - 10। अब हम इन्हें किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, आप इसे हल करने की कोशिश कीजिए। मैंने इन्हें इखराज के तरीके से हल किया है, तो मुझे यहाँ पर हल मिला है x बराबर 30 और y बराबर 20। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये के नोटों की तादाद जो थी x, उसकी कीमत आई है 30 और 10 रुपये के नोटों की तादाद आई है 20। एक और सवाल हल करते हैं हम इसी तरह का। सवाल नंबर 3 दिया गया है के सायरा और साजिदा की उम्रों का मजमुआ 34 साल है। सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, तो इनकी उम्र मालूम कीजिए। देखिए हल किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि सायरा की उम्र बराबर x और साजिदा की उम्र बराबर y। जो चीज़ें हमें मालूम करना होती है उसे हमें फर्ज करना है। अब देखिए पहली शर्त दी गई है कि दोनों की उम्रों का मजमुआ 34 है, यानी x जमा y बराबर 34। और दूसरी शर्त के मुताबिक क्या दिया गया है कि सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, यानी कि x यानी सायरा की उम्र रहेगी साजिदा यानी कि y जमा 6, क्योंकि वो 6 साल बड़ी है, ज्यादा है, इसके लिए हमने यहाँ पे जमा 6 किए। तो हमारे पास ये मसावत आ जाएंगे, इसको हल कर लेंगे हम, तो x नफी y बराबर 6। इस तरीके से हमारे पास मसावतें तैयार होती हैं x नफी y बराबर 6 और x जमा y बराबर 34। अब ये दोनों मसावतें बिल्कुल आसान हैं, इसे हम हल करते हैं जमा करने पर। तो देखिए नफी y जमा y यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2x बराबर 40, यानी x बराबर 40/2। 40 को 2 से तकसीम करने पे आ गया हमारे पास 20। x की कीमत यानी सायरा की उम्र आ गई 20 साल। अब इसे हम पहली या दूसरी मसावत में रख सकते हैं। मैं यहाँ पर पहली मसावत का इस्तेमाल करूँगी कि x जमा वाई बराबर 34, तो x की जगह मैंने रख दी हूँ 20, तो 20 जमा वाई बराबर 34, तो यहाँ से हमको y बराबर मिल जाएगा 34/20 यानी कि 14। इस तरीके से हमको मिल गया सायरा की उम्र बराबर 20 साल और साजिदा की उम्र बराबर 14 साल। ये जवाब जो है ये हल दोनों मसावतों को मुतमईन करता है। आखिर में हम इसका जवाब इस तरीके से लिख लेंगे कि सायरा और साजिदा की उम्र बिल्कुल 20 साल और 14 साल है। प्यारे बच्चों, आप इसी तरीके से बकिया मिसालें भी हल करने की कोशिश कीजिए।